बैंक आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब इससे बचने की कोशिश की जा रही है। बैंक के शेयर लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये है कि यस बैंक का ऐसा हाल कैसे हुआ, खासकर तब जब एक समय इस बैंक का जलवा पूरे देश भर में फैला हुआ था। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक दौर ऐसा था जब इस बैंक को दूसरे बैंकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज देने के लिए पहचाना और पसंद किया जाता था। यस बैंक एक समय में निवेशकों का पसंदीदा हुआ करता था, मगर अब बैंक खुद भी पस्त है और लोग भी इससे त्रस्त हैं। आज हम आपको यस बैंक और उसके संस्थापक राणा कपूर के अब तक के सफर के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और समय के साथ ये कैसे मुसीबतों में घिरता चला गया। इस समय जिन लोगों के पैसे यस बैंक में फंसे हुए हैं, वो बहुत ही परेशान चल रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार बैंकों को लेकर गंभीर नहीं है, इसीलिए उनके पैसे आज यस बैंक जैसे विश्वसनीय बैंक में भी फंस गए हैं और बैंक डूब गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि विजय माल्या की तरह आज यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर भी लंदन में मौज ले रहे होते, लेकिन सरकार और आरबीआई ने बेहद चालाकी से राणा को उन्हीं के जाल में फंसा लिया। यस बैंक को दोबारा अपनी मुट्ठी में लाने की चाहत में वो ईडी के शिकंजे में जा पहुंचे। आइए आपको बताते हैं इस केस की इनसाइड स्टोरी। पिछले करीब 8 महीनों में कम से कम 3 ऐसे मौके आए जब लगा कि यस बैंक में निवेश का सौदा फाइनल होने ही वाला है। तभी संभावित निवेशकों ने कदम पीछे खींच लिए। कुछ समय के लिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार को भी समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। बाद में राणा कपूर ने अपने सूत्रों के जरिए सरकार और रिजर्व बैंक को ये इशारा किया कि वो बैंक में वापसी के लिए उत्सुक है। इससे सरकार और आरबीआई को शक हुआ कि बैंक की हालात बदलने के लिए तैयार किए जा रहे हैं और प्लान को राणा ही फेल कर रहे हैं। इस मामले से जुड़े एक उच्च अधिकारी ने बताया कि केस में तो आरबीआई ने एक निवेशक से पैसे भी जमा कराने को कह दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पीछे हट गया, जिसके बाद आरबीआई ने पड़ताल शुरू की तो उसे उसके सूत्रों ने कहा कि ये सब राणा ही करवा रहे हैं। हर बार जब सौदा लगभग तय हो जाता था, राणा के लोग निवेशक से मिलते और उन्हें इससे दूर रहने के लिए कहते थे। साथ ही आरबीआई को ये भी पता चला कि राणा ये सब भारत में नहीं बल्कि लंदन में रहकर कर रहा है, जिसके बाद आरबीआई और सरकार ने मिलकर राणा को भारत लाने का प्लान बनाया। राणा कपूर कई महीनों से लंदन में रह रहे थे। बताया जाता है कि कपूर को लंदन से भारत लाने के लिए रिजर्व बैंक ने राणा को इस तरह के संदेश दिए कि यस बैंक में निवेश के सभी प्रयास विफल होने की वजह से उनकी बैंक में वापसी हो सकती है, जिसकी उन्होंने 2004 में स्थापना की थी। दोबारा यस बैंक के कर्ता धर्ता बनने का सपना लेकर जैसे ही राणा भारत लौटे, कई जांच एजेंसियों ने उन्हें सर्वेलेंस पर रखना शुरू कर दिया ताकि वो देश छोड़कर ना जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब वो रडार से बाहर हो गए, जिसके बाद आरबीआई और सरकार की चिंता बढ़ गई, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने राणा के बारे में पता करना शुरू कर दिया। राणा नीरव मोदी की तरह मुंबई के वर्ली में समंदर किनारे आलीशान अपार्टमेंट में रह रहे थे। ये मुंबई ही नहीं देश के सबसे महंगे घरों में से एक है। यहाँ पहुँचने पर ईडी अधिकारियों को बिल्डिंग गार्ड से पता चला कि कपूर भारत छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। संभवतः उसे एहसास हो गया था कि आरबीआई और सरकार के प्लान में उनके लिए कोई जगह नहीं है, जिसके बाद सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद सरकार ने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए। यस बैंक के बोर्ड की मीटिंग 14 मार्च के लिए प्रस्तावित थी, जिसमें तिमाही नतीजों पर चर्चा होगी। इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही थी कि यस बैंक संकट में पड़ सकता है। सितंबर में बैंक ने 16,000 करोड़ रुपए बैड लोन की घोषणा की थी। बड़े जमाकर्ता अपना पैसा बैंक से निकाल रहे थे।
सरकार में भी इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या कपूर को गिरफ्तार कर लिया जाए या फोकस अभी स्टेट बैंक के नेतृत्व में नए निवेशक लाने पर हो। अंत में सरकार ने मॉरिटोरियम की तरह प्रतिबंध लगाते हुए पुनर्गठन प्लान की घोषणा कर दी। इसके साथ ही राणा कपूर के खिलाफ एक्शन को हरी झंडी भी दे दी गई। मॉरिटोरियम की घोषणा आमतौर पर वीकेंड में होती है, जब बाजार बंद होता है और आर्थिक गतिविधियां कम हो रही होती हैं। और ये 14 मार्च से पहले आखिरी वीकेंड था। HS न्यूज के लिए प्रज्ञा शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।